क्या समस्या, क्या चाहते हैं आप? जो जहाँ महाराज के कारज भगवान की हम पूजा करा तो देवता आऊ दे जो कजू का बहुत नन्या लड़का का कि तुमाओ देवता कैसो आऊ दे कहा होद नन्या। तो हम यह विचार कर रहे 6 महीना से कि महाराज नो जे तुझे बूझे के ना आए तो तू ना आए और आए तो ऐसो आए जो कहे तो होए। और लड़कन की नौकरी की विषय में चले हमने लिखा पता नहीं पड़ा। हमने लिखा सुने, हमने लिखा रामनाथ मरे प्रेत से मरे, प्रेत बने कारस जहाज वाले देवता आप पे कृपा कर रहे हैं ये सत्य है। साथ ही उनके साथ में सहायक अन्य देवता भी हीरामन इत्यादि उनके साथ अधिक आदि काल का चौंकू भी आपके साथ में है, लेकिन आप वर्तमान में कारस जहाज को ही मानते हैं जी। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम ओम हनु हनुत विरासी कारस दिवाय शांति शांति शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो सूर्यनारायण भगवान की। श्री हनुमान जी पंडुक सरकार कृपा करेंगे और आपके देवाधिदेव भगवान शिव अंश कारस जहाज वाले आप पे कृपा करके अच्छे दरबार गद्दी चलेगी, परंतु पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज को दिव्य दर्शन करें और वहीं से आपकी कला खुलकर पुनः वापस आकर के आपके घर का और लोक कल्याण जन समाज का महाराज शिवाय शिवाय ओम शिवाय। महाराज जी आप फुल खिलौटी में आकर के सेली का उपयोग ना करें तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि बच्चे हैं और हम आपकी सेली पकड़ रहे हैं ये अच्छी बात भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है और उनके भी लिए नहीं है कि मरीज आप भक्त आपका है कष्ट ना हो। लेकिन कुछ दो चीज़ें आपसे पूछना चाहते हैं, इसके लिए आप पुनः वापस आएँ। बोले श्री कारस महाराज की, बोलो नीम वाले की, पंडोखर सरकार की। बस प्रणाम, जाओ जाओ, आज के बाद गुरु कृपा होगी दीपक रखना चालू करो और थोड़ा सा 41 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करो और हाथीमान का दर्शन करो बराधाम का। जाओ, आपके देवाधिदेव आपको कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ये हमने मात्र पहचान करी है कि देवता कितने क्वालिटी में है, इसलिए मैंने कहा मैं दोहरा आह्वान करता हूं और सक्सेसफुल यानी कि 101% दिव्य कृपा है। ऐसी शक्ति को सबको प्रणाम और नमन करना चाहिए। ताली बजा दीजिए कारस महाराज को कि आज भी संसार में शक्तियां हैं और ऐसे देव भी हैं जो परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री आतिनवार का कितना सम्मान करते हैं कि उनका नाम लेने के बाद दोहरा आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज हैं कि जिनके लिए बड़े बड़े देव हाथीवान महाराज का अपने मुख से नाम नहीं लेते हैं और जो नाम ले लेते हैं वो उनके ही भाई होते हैं। वैसे ऐसा संभव नहीं होता है और जो नाम लेने के बाद तो फिर कोई शक्ति आती ही नहीं है, इसका प्रतीकल है। बोले सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। क्या परेशानी लेके आए? अपने भाई का परेशानी पेट कर ली। अच्छा, भाई की परेशानी, भाई का नाम क्या पंकज है? नहीं, क्या नाम है? सतीश कुमार, सतीश कुमार सिंह। चलिए स्क्रीन पे पढ़िए, हम जब पूछते हैं उल्टा सुल्टा पूछते हैं तो उसको ये लगता है कि गुरुजी ने नहीं बता पाए, लेकिन पर्चा जब लिखा होता है लोग समझ जाते हैं क्या गुरुजी ने सही बताया या गलत। हमने लिखा है सतीश कुमार, पिता का नाम मोहन सिंह। सतीश कुमार को किडनी व लीवर पर असर है, बीमारी ठीक होगी, स्थान चेंज होगा तो लाभ होगा, घर में प्रेत बाधा है। वर्ष 2009-2010 से भारी परेशानी झेलना पड़ रही है जी। एक भवन लिया सरदार जी का जी। जब से घर में हानि हो रही है जी। प्रेत बाधा है, उस भवन से तंत्र है, मकान में दाल और टैन मंत्र कीलक रखी गई क्रिया है जी। आपकी सभी काम में हानि हो गई है जी। सभी की बर्बादी हो गई है जी, जी। आप बताएं, आपने कोई सरदार का मकान खरीदा जी? बोलो हाँ या ना। हाँ। किसका खरीदा? उसका पैसा हम नहीं रहते हैं, भैया रहते हैं वहाँ पे। आपके घर में पहली घटना कब हुई थी?
कोई पता है आपको? नहीं गुरु जी। हमने 2010 लिखा है कि 2009-10 से है जी, पता लगा लीजिएगा। आपके पिताजी का नाम मोहन सिंह है जी, उनकी किडनी लीवर में दिक्कत है। नहीं, वो डेट कर गए। कौन? पिताजी मोहन सिंह जी। वो किडनी की लीवर से मरे थे? नहीं, तो हार्ट अटैक हो गया था। और सतीश को क्या दिक्कत है? वो किडनी लीवर का है। तो हम बोलते रहे और क्या प्राण लोगे क्या जी? घुमाते हो फालतू के, इधर देखो स्क्रीन पर वापस, विद्वान लोग चेक करें। मतलब हम घुमा रहा तो वो मुझे घुमा रहा, इसको पकड़ो। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है।